नमस्कार, सभी का स्वागत है दरभंगा के विशेष रिपोर्ट स्वास्थ्य को लेकर। हम बात कर रहे हैं आज दरभंगा में 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए बना 101 टीकाकरण केंद्र। इन केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। दरभंगा के राजकीय कमेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 21 जून 2021 से बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन DDC तनय सुल्तानिया ने फीता काटकर दरभंगा में यहां किया है। इस मौके पर सिविल सर्जन संजीव सिन्हा, प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा, ICDS पूजा अम्रपाली उपस्थित रही हैं। इस अभियान के अंतर्गत दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंड एवं दरभंगा शहरी क्षेत्र के कुल 101 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इन टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर वाले तथा 45 वर्ष से ऊपर वाले कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट यानी कोई भी व्यक्ति टीका ले सकता है। सिंहवाड़ा प्रखंड, तारडीह प्रखंड, इन सभी जगहों पर 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक टीका दिया जाएगा। DDC तनय सुल्तानिया जो हैं उनका इंटरव्यू सुनाते हैं और श्वेता कुमारी टीका लेने वाली जो स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। देखिए पूरा कवरेज, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान के नाम से आप फेसबुक पर देख सकते हैं। या तो अर्ली मॉर्निंग जब खुले, क्योंकि आप लोग ऐसे सेकंड हाफ में करवाते होंगे साफ सफाई। अभी रात को 9 बजे तक चलेगा तो अर्ली मॉर्निंग सेकंड हाफ में मॉर्निंग कराना और शुरू होने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में कुर्सी लगवानी होगी आप लोगों को। कुर्सी और एक्स्ट्रा, और सुबह वाले सेशन में 2 वैक्सीनेटर हैं और शाम में 2 वैक्सीनेटर हम लोग दिए हैं। सुबह में डाटा ऑपरेटर 2 है, 2 बजे तक और सेकंड हाफ में। माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में आज से हम लोग एक विशेष टीकाकरण केंद्र जो यहाँ पे खुल रहा है, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक, रात 9 बजे तक कार्यरत रहेगा। प्रतिदिन 9 AM to 9 PM 9 to 9 टीकाकरण केंद्र इसका नाम रखा गया है। इसमें ये सहूलियत रहेगी कि लोग किसी भी समय अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने समय अनुसार आकर यहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरह की सुविधा, ऑनलाइन एवं ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की सुविधा है दोनों वर्ग के लिए, 18 प्लस भी और 45 प्लस के लिए भी। इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी कि अगर सुबह कई लोग काम की वजह से, अन्य कारणों से बिजी रहते हैं, तो सेकेंड हाफ में भी जिन लोगों को टाइम मिले तो वो लोग ज़रूर आकर यहाँ पे वैक्सीनेट करवा सकते हैं। हमने ये देखा है कि कोविड जिस तरह से सेकेंड वेव आया था, और कुछ ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि थर्ड वेव आ सकता है, तो एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है इसका। इसको प्रेरित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण हो, इसके लिए ये विशेष सेंटर संचालित किया जा रहा है। और इसी तरह से हर ब्लॉक में भी आज से एक विशेष अभियान शुरू हो रहा है, जिसके तहत हर ब्लॉक में 4 से 5 सेंटर, चाहे वो मोबाइल वैन के थ्रू हो या फिक्स सेंटर के थ्रू हो, जहाँ पे 18 प्लस और 45 प्लस दोनों के लिए डोजेस दिए गए हैं पर्याप्त मात्रा में, ताकि लोग जाएं और वहाँ पे ज़रूर टीकाकरण करवाएं। नहीं, अभी तो फ़िलहाल आधार ही से रजिस्ट्रेशन करवाना है, और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो अपना नया आधार भी तुरंत बनवा सकते हैं, जो हमारे जिला के सारे सेंटर्स हैं, बट फिलहाल तो आधार मैंडेटरी है।
सर टीका लगवाने के लिए आए हैं। यहाँ पे टाइमिंग था 9 से 11 वाले टाइमिंग में टीका लगवाने के लिए आए हैं। पहले रजिस्ट्रेशन जो होता था ऑनलाइन उसमें टाइम लग जाता था, पर अभी यहाँ पे जैसे नॉर्मली लोग आ रहे हैं, अपना आधार कार्ड दे रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं, तो उसमें कम टाइम लगता है और ज़्यादा लोगों को टीका भी लग रहा है। पर रजिस्ट्रेशन में क्या होता था कि लोग उतना, कभी होता भी था रजिस्ट्रेशन, कभी नहीं भी हो पाता था, काफ़ी समय लगता था रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे आने में थोड़ा दिक्कत हो जाता था। पर ऐसे सीधा आधार कार्ड के माध्यम से सभी लोग अपना टीका लगवा पा रहे हैं। ज़्यादा लोग सर आगे टीका लगवा पा रहे हैं क्योंकि 9 बजे से सुबह 9 बजे तक रात तक चलती है। इसमें टाइमिंग का स्लॉट दिया गया है कि 9 से 11, 11 से 1 ऐसे करके स्लॉट है, उसमें सभी लोग आके सर टीका लगवा पा रहे हैं और वैक्सीनेशन पूरा कर रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे 18 से 45 साल तक के पहले लगवा रहे हैं, उसके बाद फिर 45 से आगे तक के लिए अलग मतलब स्लॉट है। हाँ सर, अभी लगवाएंगे। ये कितना बजे चालू करेगा? लोगों का यही कमेंट आ रहा था कि ये उस वही वाला है क्या, मतलब लोग उसी से रिकॉग्नाइज। जो आपका बड़ा वाला नहीं अच्छा है, करोड़ का वाला टीकाकरण, 9 टू 9 विशेष टीकाकरण सत्र का एक बड़ा। देखिए